ये तीर्थ जो है तिराने के लिए है। वो तिराने वाली कोई डुबाने बैठ जाए आदमी, उससे बड़ा कोई जगत में पापी नहीं हो सकता। ग्वालियर समाज, शिवपुरी समाज, आसपास के समाज, आपके पंडित जी अजीत शास्त्री, धर्मचंद शास्त्री, मणि लाल मणि जी है मित्र, माता पिता का पैर टूट जाए तो पैर तो ठीक कराना, पर पैर टूट गया है उनको मार के मत फेंक देना। माता पिता का पैर टूट जाए ये तुम सच्चे लाल हो अपने जननी जनक के, वृद्ध माता पिता को सेवा करना, पैर पर मल्लम पट्टी प्लास्टर लगवा देना। पर आर के जैन ऐसा कौन सा अभागा बेटा होगा, अब इनका पैर टूट चुका है, अब इनको मार के फेंक देना चाहिए। हे मित्र, ऐसा काम करना अच्छी बात है कि बुरी बात है, इसका उत्तर दीजिए। जिसके माता पिता का पैर टूट जाए उसके पैर को काट के फेंक देना चाहिए कि उसकी सेवा करना चाहिए, एक सुर में कहो ना। है मित्र, सेवा करना चाहिए। जिन वाणी जीण हो जाए तो उनकी सेवा करना चाहिए, न कि मित्र पुनः गला देना चाहिए। आज पंडित देश बुद्धि से लोगों ने नवीन शास्त्रों को भी गला करके नष्ट किए हैं। निदत्ति निकाचित कर्म का बंद होगा और जिस दिन उदय में आएगा उस दिन बेटा ऐसे बिलखोगे जैसे गंगा यमुना की धार बहती है। कर्म फल चेतना को भोगने के लिए स्थावर एक इंद्री पर्याय में प्रवेश हो जाएगा, वहां तुम सिसकनियां भर करके किसी को बता भी नहीं पाओगे। इसलिए धर्मचंद शास्त्री इस समाज को, श्रमणों को, श्रवणियों को और ज्ञानी विद्वानों को थोड़ा सा तो दिमाग दे दो। तीर्थ मिटाकर तीर्थंकर नहीं बन पाओगे, तीर्थ बना के तीर्थंकर बन पाओगे। अजीत से मैं इसलिए खुश हूं, इन्होंने प्रतिमा को तोड़ के अलग तो नहीं किया, उसी प्रतिमा को सुरक्षित किया है। जो बधा तीर्थ एक है उसमें भगवान आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का इतिहास जुड़ा हुआ है। मैंने सुना है लोग उसको भी तोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, पर इससे बड़ा निकृष्ट कोई काम नहीं हो सकता है। बने मंदिरों को नष्ट करना धर्म नहीं है, जहां नहीं बने उनको बनाइए, जो बने उनको सुरक्षित कीजिए। पंडित जी 1000 मुनियों को दीक्षा देना और एक मुनि की समाधि करा देना, 1000 नवीन जिनालय स्थापित करना और एक प्राचीन जिनालय की जीर्णोद्धार कराना, बराबर पुण्य मिलता है। पर प्राचीन मंदिर को धराशायी कर देना, इससे बड़ा संस्कृति पर कोई विघात नहीं हो सकता। इसलिए ग्वालियर का गोपाचल, बरही, पनिहार, आमी गांव, जितने तीर्थ भूमिया है ग्वालियर की समाज से मेरा कहना है, मित्र एक औरंगजेब नाश करके चला गया, अब तुम कम से कम औरंगजेब मत बनना। हमारे प्राचीन संस्कृति का विघात मत कर देना, विघात मत कर देना। आपको संस्कृति कभी क्षमा नहीं कर पाएगी। आर के भैया, विश्वास माने दीवाल आपने खड़ी की है, पनिहार में आपने भूमि का शिलान्यास किया था कि नहीं, आपने मंदिर का, आपकी वेदी को तोड़ के कोई फेंकने को तैयार हो जाए, हे मित्र सत्य बताना तुम्हारी छाती पर क्या बीतेगा। मदन भैया, पंडित साहब, बुंदेलखंड की माटी में हमारी माताओं ने अपने लालों के दूध को बचा करके, एक एक सिक्का जोड़ करके जिनाले में दान दिए हैं, और आज पता नहीं लोगों को क्या हो गया है,
करोड़ों लगाकर करोड़ों मिटा देते हैं एक गरीबों के मुख में दूध चला जाते हैं द्रव्य से, तो समाज का कितना उद्धार होता। इसलिए शास्त्री जी, यदि आप आचार्य भगवंतों की परंपरा का निर्वाह करने के लिए आए हो, आपके जिनालय जिन मूर्ति स्थापित हो वो भविष्य के लिए इतिहास बनेगी, पर हमारे पूर्व में जो बना के रख गए हैं उनके इतिहास को मेटने का पुरुषार्थ करने की योग्यता मत लाना। चाहे खजुराहो हो, चाहे गोपाचल हो, चाहे गोमटेश्वर बाहुली सोबी हो, हे मित्र, चाहे बरही हो, चाहे बराशों हो, ये सारे तीर्थ जो है इस बात को कह रहे हैं मेरे बुजुर्ग जो थे वे कितने महान थे, माताओं दाल मूंग की दाल का पानी पी के सो गए पर मंदिर विशाल बना के गए। और यही जिन मंदिर आपको जयवंत करेंगे, हैदराबाद के म्यूजियम में मैं गया और मदन लाल भंडारा जी, जब भी कभी मन हैदराबाद जाने का करे तो समाज के रिश्तेदारों से मिलने के साथ साथ वहां के म्यूजियम में जरूर जाना। आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ऐसा देश का कोई प्रदेश नहीं है जहां पर श्रवण संस्कृति जीवित ना हो। आज की तारीख में वहां हैदराबाद के म्यूजियम में विशाल महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान है, इतनी जिनबिंब है, सरकार सुरक्षित किए है। मुझे आश्चर्य होता है जिन शासन को भारत शासन सुरक्षित किए है और मदन लाल बेनाडा से लोग भक्त ही नाश कर दें, तो मेरे मित्र सरकार श्रेष्ठ है कि आप श्रेष्ठ हो। प्रशस्तियां किसी की नहीं बचेंगी, संस्कृति बचेगी। प्रशस्तियां नहीं बचेंगी, हम लोगों ने ऐसे दिन देखे हैं जब हमारे दिगंबरत्व का लोप करके लोगों ने कपड़े पहना लिए। हमने ऐसे दिन देखे हैं जब जिन प्रतिमाओं को बदल करके भी लोगों ने आंखें लगाई, उसके लिए आगरा हमारे लिए सबसे बड़ा दृष्टांत है। आगरा में भगवान शीतलनाथ स्वामी की चक्षु लगाने पहुंचे लोग जमीन पर गिर गए, लेकिन शीतलनाथ स्वामी की आंख नहीं लगा पाए। दो बार आंखें लगाने की चेष्टा की, भगवान शीतलनाथ स्वामी को आंखें नहीं लगा पाए। जिनकी आंख केवल की खुली है उनको तुम ये चरम चक्षु क्यों लगाने की चेष्टा कर रहे हो? हे मित्र, आगम चक्षु साहु इंदे चक्षु सब भूदानी देवा ओहि चक्षु सिद्धा सबुदो चक्षु। कुंद कुंद भगवंत लिखते हैं प्रवचन सादी में, इंदे चक्षु संसार के सारे सामान्य प्राणियों का नेत्र आंख होती है, परंतु साधु का नेत्र आंख नहीं होती है, साधु का नेत्र आगम होता है। भैया, आप चलते आंखों से देख के और योगी चलता है आगम को देख के। ये आंख फूट जाए तो मिथ्यात्म में नहीं जाओगे, पर आगम की आंख फूट गई तो मिथ्यात्म में डूब।